आपका HCl का और H2SO4 का इंपैक्ट का अलग अलग नहीं है यहाँ पे? HCl का H2SO4 का इंपैक्ट का अलग अलग नहीं होगा, होगा ना? तो मिलीमोल्स ऑफ, मैं तो मतलब उसको डायरेक्टली, आई विल नॉट टेक द रिस्क ऑफ डायरेक्टली राइटिंग दिस मिली इक्विवेलेंट ऑफ एच प्लस, मैं ऐसे नहीं लिखना चाहूँगा इसको। हो सकता है वो सही हो, बट हो सकता है वो गलत भी हो, बिकॉज आई विल राइट इट इन दिस वे। देखो 0.5 मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 है, तो दिस विल बी 0.5 मल्टीप्लाइड बाई इक्विवेलेंट इक्वल टू मोल्स इन टू एन फैक्टर, तो मोल्स इक्वल टू इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। तो H2SO4 के मिली मोल्स कितने हैं? 0.5/2। समझ में आया? हाँ, वो कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है, इसीलिए तो मैंने ली हुई है अभी जानबूझ के। अरे आप सीधे सीधे देखो ना, यहाँ से तो सबको हटाओ और पीछे जाते हैं वापस से। इट्स वेरी सिंपल, आपने मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 कैलकुलेट किए, व्हाट विल बी द मिली मोल्स ऑफ H2SO4 ये बताओ आपको मुझे। इट विल बी 0.25। इक्विवेलेंट इक्वल टू मोल्स इन टू एन फैक्टर, तो मोल्स इक्वल टू इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई एन फैक्टर, कोई प्रॉब्लम किसी को? परफेक्ट, राइट। ये 0.25 है। इसी तरीके से मिली मोल्स ऑफ HCl कितना है? दैट इज टू। हाँ ठीक है, वो एन फैक्टर वन है उसका, दिस इज टू, राइट। तो अब यहाँ से लिखो 10 टोटल मिली मोल्स ऑफ एच प्लस कितना आएगा बोलो? 2.5। हाँ, 2.5। वेरी गुड, अब आएगा ये 2.5। समझ लो, वो अगर 3 हो जाता तो यहाँ पे 3 आ रहा होता, क्योंकि एच प्लस का फैक्टर 1 ही होता है ना। मुझे समझ में आया कहाँ गड़बड़ी थी? अगर वो 3 लिख दिया होता तो एच प्लस का तो एन वेक्टर वैसे ही बना है, एच प्लस तो एक सिंगल आयन है ना, राइट। तो वो एन वेक्टर दोनों के अलग अलग है ना, दैट्स वाई जहाँ पे ऐसे एन वेक्टर अलग अलग हो जाए वहाँ पे बहुत केयरफुल हो जाए, अगर वहाँ पे मोल्स में कन्वर्ट कर दिया करो उसको, है ना, राइट। अभी ठीक है, नाउ द वॉल्यूम इज 1 लीटर, अभी कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन 2.5 तो मिली मोल्स हैं उसके, तो ठीक है 2.5 × 10⁻³, ठीक है वो हो जाएगा 2.5 × 10⁻³ आ जाएगा यहाँ पे। ये मतलब व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या? बट ये नहीं निकालना था ना, कुल मिला के बात ये भी तो है, मुझे कैलकुलेट ये नहीं करना था, दैट इज अनदर गुड साइड ऑफ द स्टोरी। हाँ कुछ तो वैसे ही करना पड़ेगा, कि ये वाला पार्ट तो हो गया, दिस वुड बी नाउ 2.5 × 10⁻³, राइट। बट द क्वेश्चन इज आस्क्ड मी टू सॉल्व इट फॉर OH नेगेटिव, तो यहाँ लिख देता हूँ OH नेगेटिव विल बी 10⁻¹⁴ डिवाइडेड बाई H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, राइट। बस इसको यहाँ पे सब शूट करो, देन यू विल गेट योर आंसर। समझ में आई ये बात थी? क्लियर, राइट। अभी वापस आते हैं इसके ऊपर, ये वाला पार्ट बेसिकली हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, देखो क्वेश्चन नंबर 21 वी वर डिस्कसिंग। तो 0.7 ग्राम इसका होगा मॉलिक्यूलर वेट, कुछ एम मान लेते हैं, राइट। 0.7/m और डिवाइडेड बाई 0.1, कुछ तो इसका मोलारिटी आ गया। 20 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन रिक्वायर्स, तो सिंपल है कि 100 ml में ये जो कुछ भी था, 20 ml में इसका कुछ पार्ट आएगा, रेशो एंड प्रोपोर्शन स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट। तो 20 ml में 1/5 होगा, सीधे सीधे 0.7/5 ग्राम हो गया, राइट। तो अब ये जो 0.7/5 ग्राम है, इट इज़ सेइंग कि इसके कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए ये रिक्वायर्ड है, तो यहाँ से HCl के इक्विवेलेंट मिल जाएंगे 19.8 × 1/10 ना, अग्रीड ना, राइट। हाँ तो 19.8 × 1/10 यहाँ से आएगा आपके पास में, दिस वुड बी मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl, यहाँ पे लिख देता हूँ इसको,
0.75 ग्राम इसका होगा, तो हो गया ये। जस्ट राइट डाउन द इक्वेशन स्ट्रेट अवे। ये 19.8 और इंटू एन बाई 10 से कितना निकल करके आया, 19.8 मल्टीप्लाइड बाई 1/10 मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ एचसीएल। सो आई थिंक दिस शुड बी इक्वल टू 0.75 ग्राम वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट इज मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। सो व्हाट इज गोइंग टू बी द एन फैक्टर ऑफ Na2CO3? 2। सॉल्ट है ना ये, तो सोडियम कार्बोनेट इज एनी वेज सॉल्ट ना, राइट? तो 2 हो गया मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से m फाइंड आउट हो जाएगा। और ये जो m है बेसिकली, दिस इज एक्चुअली 106 प्लस 18 है x। राइट, 106 प्लस 18x बस। तो यहाँ से x फाइंड आउट हो जाएगा आंसर। एनी डाउट? क्लियर कंप्लीटली? राइट, ओके। नोट डाउन करना है तो कर लो, फटाफट नोट डाउन कर लो, बस थोड़ा सा स्क्रीन में आ गया।
चीज़ और कोई मिक्सिंग वगैरह जो रह रहे हैं, जो आसान क्वेश्चन है वो मैं छोड़ रहा हूँ। हाँ 25 सॉल्यूशन कैन बी स्टैंडर्डाइज बाई टाइट्रेशन अगेंस्ट H2O3। सो 0.1156 ग्राम सैम्पल ऑफ H2O3 रिक्वायर्स 27.08 ml ऑफ KMnO4 फॉर दिस टाइट्रेशन। इज द मोलारिटी ऑफ KMnO4। सी H2O3 का नीचे वाले रिएक्शन का एन फैक्टर कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। हाँ कितना आया? आर्सेनिक इज +3 ऑन लेफ्ट साइड एंड +5 ऑन राइट साइड। हाँ तो 4 आ गया एन फैक्टर। 2 का चेंज है 2 आर्सेनिक के लिए। तो अगर 4 एन फैक्टर है तो नाउ आई नो द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ H2O3 वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट आई नो। अग्रीड अभिषेक? अग्रीड। हाँ नाउ आई नो द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ जैसे इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ H2O3 दैट आई हैव टू इक्वेट इट टू KMnO4। ओके सो KMnO4 का मुझसे मोलारिटी पूछा हुआ है राइट। सो मोलारिटी लेट्स से एक्स इज देयर, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इज मोल्स एंड इक्विवेलेंट इक्वल टू मोल्स इनटू एन फैक्टर। सो 27.08 इनटू 10 टू द पावर -3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स एंड मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर ऑफ KMnO4 कितना है? 5 है। +7 से +2 में गया है, सिंगल मैगनीज है। अग्रीड राइट। सो द फाइनल इक्वेशन, बस सिंपल फाइनल इक्वेशन लिख देता हूँ मैं तो। सो आई होप यू पीपल विल एग्री। 25 है ना ये। .1156 ग्राम्स डिवाइडेड बाय जो भी मॉलिक्यूलर वेट है आर्सेनिक का, कितना एन फैक्टर है? 4 should be equal to 27.08 into 10 to the power -3 multiplied by x and multiplied by its n factor 5. This x you need to find out, that will be your answer. देखो ध्यान से कोई डाउट? परफेक्ट ना एवरीबडी? क्लियर? आसान क्वेश्चन ही हैं, तुम लोग एक बार ओवरली इनको करके देखना, मुझे नहीं लगता ज़्यादा अगर डिफिकल्टी आएगी। बल्कि मैं प्रिंट आउट मॉर्निंग में 8 बजे दे दूँगा इसका, नहीं बैठ के पूरा सॉल्व करना है ना। जो भी क्वेश्चन नहीं होते यार पूछते जाना मुझसे राइट, तो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी उससे। फाइन ठीक है, चलो इसको बंद करते हैं। नाउ लास्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा था? बैटरी। सो वी वर बैटरी आपको बनाना था। हां स्लाइड 3 कंटिन्यू करना था। स्लाइड 3 कंटिन्यू करना था बैटरी के बारे में, चार्जेस के बारे में। हां अच्छा किधर होगा बैटरी? देखो आई जस्ट टेल यू, वो अभी पोलारिटी अपने आप ही निकल कर के आ जाएगी। लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड NaCl, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्यूज्ड NaCl एंड दिस एक्वस NaCl? एक्वस इज डिसॉल्वड इन वाटर, फ्यूज्ड इज मोल्ड। देखो दो अलग अलग टर्म्स हैं, फ्यूज NaCl होता है, देयर इज समथिंग नोन एज फ्यूज NaCl। फ्यूज NaCl इज जस्ट NaCl, मतलब समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा हूँ। बट अगर आई टॉक अबाउट एक्वस NaCl, इन दैट केस aqueous NaCl would be NaCl plus H2O।
राइट। अब ये डिफरेंस कैसे क्रिएट करती है, ये चीज़ ये बताता हूँ मैं आपको। सी ये चीज़ डिफरेंस इस तरह से क्रिएट करती है, आप जब इसके इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में बात कर रहे हो, सी दिस वुड बी समथिंग लाइक कि यहाँ पे मान लो एक बीकर है, राइट। अब यू आर सेइंग कि यू आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ दिस फ्यूज्ड NaCl ओनली, आप केवल फ्यूज्ड NaCl के बारे में बात कर रहे हो। सो इट मीन्स यहाँ पे पूरा का पूरा ये NaCl वाला ही पार्ट होगा एवरीवेयर। जितना भी है फ्यूज या मॉल्टन NaCl वाला फॉर्म है, यहाँ पे मान लो अब मैं दो इलेक्ट्रोड्स लगा देता हूँ, टू इलेक्ट्रोड्स। जनरली जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं ना, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स होती हैं। वाई प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स? नॉन रिएक्टिव होते हैं जनरली। अगर कुछ मेंशन नहीं किया है तो आप मान करके चलो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स यूज़ किए, राइट। हाँ, ग्रेफाइट भी होती है। वाई ग्रेफाइट? अगेन नॉन रिएक्टिव। ग्रेफाइट और प्लेटिनम में से किसको यूज़ करते हैं? ग्रेफाइट यूज़ होता है। प्लेटिनम बहुत कॉस्टली होता है ना, इसलिए ग्रेफाइट को यूज़ करते हैं। बट बेटर प्लेटिनम। हाँ, बेटर प्लेटिनम है वो, लेकिन कॉस्टली बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, नाउ अब यहाँ पे देखो कि ये जो इलेक्ट्रोड्स वगैरह हैं इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है ना, तो लेट्स कनेक्ट इट विद अ बैटरी। कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से, राइट। सो दिस इज प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, दिस इज पीटी इलेक्ट्रोड, राइट। नाउ जब इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो नाउ दिस इज नेगेटिव टर्मिनल एंड दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, एम आई राइट? करेक्ट। अच्छा, अब पहले तो कुछ बेसिक डेफिनेशंस मान लो, कॉन्सेप्ट वाइज मान लो, कैथोड क्या होता है, व्हाट इज कैथोड? इट्स अ पॉजिटिव चार्जेस का, वेयर पॉजिटिव चार्जेस एक्युमुलेट। बोलते जाओ फटाफट। इससे नेगेटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ बैटरी। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कैथोड, ये हमेशा ध्यान रखना। पोलैरिटी से कोई लेना देना ही नहीं होता, क्या थॉट पॉजिटिव भी होता है और क्या थॉट नेगेटिव भी होता है, अभी थोड़ी देर बाद अपने आप समझ में आएगा। दोनों पोलैरिटीज होती है। तुम बताओ कितना टाइम पढ़ना? अच्छा, तुमने उनको 2 बजे का बोला होगा ना, वेयर ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। हाँ, तुम्हारे भी डाटा है। अच्छा, ओके, गुड। चलो 5-10 मिनट बस ये कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। वर्कशीट का लिंक मैंने आप लोगों को भेज ही दिया, मैं कल कंटिन्यू करूँगा फिर इस चीज़ का। पोलैरिटीज़ बता देता हूँ मेनली आपको, इस सेल के बारे में बता देता हूँ, सो दैट विल स्टार्ट हैविंग अ फीलिंग। देखो, इस सेल के अंदर इफ आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द पोलैरिटीज, अब ध्यान से देखना, जो कल हम बैटरी की बात कर रहे थे ना, तुमने जानबूझ के उस टाइम नहीं लगाई थी, अभी देखो आपको अपने आप में आ जाएगा कि किसकी क्या पोलैरिटी है। Na प्लस और Cl माइनस आयंस होंगे इसमें, है ना। दैट इज़ वाई अभी ये एक्वस H2O की भी हम लोग बात करेंगे, ये कल बात करेंगे। दिस इज मोर डाइवर्सिफाइड केस। अभी मैंने स्पेसिफिकली देखो, एक्वस H2O जैसे ही होगा प्रॉब्लम क्या होगी, Na प्लस के साथ H प्लस भी प्रेजेंट होगा कैटायंस में, और Na आयंस में Cl नेगेटिव के साथ OH माइनस भी प्रेजेंट होगा, राइट। तो अभी तो फर्स्ट केस में ले रहा हूँ कि Na प्लस है, तो नाउ दिस इज Na प्लस एंड दिस इज Cl माइनस, राइट। किस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होंगे आप लोगों के हिसाब से? Na प्लस किधर जाएगा? हाँ, वेरी गुड। क्योंकि अगर ये वाला नेगेटिव टर्मिनल है तो ये भी नेगेटिव टर्मिनल ही है, और ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये भी पॉजिटिव टर्मिनल ही है, राइट। एंड नाउ इफ दिस इज Na प्लस, तो Na प्लस इस साइड में जाएगा और ये Cl नेगेटिव इस डायरेक्शन में जाएगा, अग्रीड। Na प्लस जिस भी डायरेक्शन में जाएगा, टेक अनदर कलर, मान लो इधर जाता है, Na प्लस की रिएक्शन क्या होगी इस इलेक्ट्रोड के ऊपर? आई सपोज कुछ ऐसी रिएक्शन होनी चाहिए कि Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिविंग सोडियम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, राइट। और ये जो Cl नेगेटिव है, इसकी यहाँ पे कुछ तो ऐसी रिएक्शन होनी चाहिए, Cl नेगेटिव गिविंग हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ना, राइट। सो आई सपोज यू पीपल विल डेफिनेटली एग्री दिस इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो इट्स अ रिडक्शन,
this is loss of electrons, so it's an oxidation. Am I right? है ना? कौन सा क्या थॉट हुआ, कौन सा एनोड हुआ? जहाँ रिडक्शन हो रहा है वो क्या थॉट है? दिस इज कैथोड, दिस इज एनोड. ये समझ में आया? दिस काइंड ऑफ द सेल इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. दो ही तरह के सेल होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो मैंने कल आपको बताया था, विच कंज्यूम्स इलेक्ट्रिसिटी, जो मैंने कल नाम दिया था ना, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करेगा ना, उसको मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहने वाला हूँ, राइट. एक और बेसिकली अब इसके आगे केस आएगा आकर के, देयर वुड बी, दो ही तरह के सेल थे, एक कंज्यूम और एक जनरेट. तो जो जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, अच्छा अब देखो, कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी अगेन लिंक टू डेल्टा जी पॉजिटिव, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, तभी तो मुझे एनर्जी इम्पार्ट करनी पड़ रही है, राइट. एक और दूसरा सेगमेंट इसके बाद, कल जो हम डिस्कस करेंगे वो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे गैल्वेनिक सेल, विच जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. गैल्वेनाइजेशन तो एक प्रोसेस है, गैल्वेनिक सेल इज अ ब्रॉड टर्म. जितने भी सेल जनरेट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, वो सारे के सारे गैल्वेनिक सेल कहेंगे हम उनको. तो डेल्टा जी इज गोइंग टू बी नेगेटिव फॉर्म, बीच में वायर होगा, कंडक्टिंग वायर तो होगा ही. नहीं, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, अभी तुम लोग ये वाला मैं आज एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि टाइम लगेगा, बट इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, यहाँ पे देखो कैथोड की पोलैरिटी क्या है, नेगेटिव, उसमें कैथोड की पोलैरिटी पॉजिटिव आएगी. दैट्स आई वाज टेलिंग यू कि काफ़ी कंफ्यूजन रहता है कि पोलैरिटी के हिसाब से कभी भी डिफाइन मत करो कैथोड में, समझ में आएगा, उसको बना लो.